हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल सिलेक्शन 100% पर। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे यूपीजी के पार्ट 3 के बारे में, यानी कि यूपीजी के की जो हमारी सीरीज चल रही है उसका आज तीसरा वीडियो है। बाकी दोनों वीडियो की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी, अगर आपने नहीं देखा तो उसे ज़रूर देखिए। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे उत्तर प्रदेश के वन्य जीव विहार और पक्षी विहार के बारे में, यानी कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड बर्ड सेंचुरी, और उत्तर प्रदेश में कौन सा नेशनल पार्क है इसके बारे में बात करेंगे, और थोड़ी सी बात हम लोग प्रोजेक्ट टाइगर की बात भी करेंगे। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इसलिए बने रहें वीडियो के लास्ट तक। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि ये जो वाइल्ड लाइफ और बर्ड सेंचुरी होती है, यानी कि वन्यजीव विहार जो होते हैं, और ये जो नेशनल पार्क होता है, राष्ट्रीय उद्यान होता है, इनमें क्या डिफरेंस होता है। तो एक तरह से डिफरेंस के तौर पर कह सकते हैं कि जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी होती है इसको एक तरह से अपग्रेड करके बढ़ा के नेशनल पार्क बना दिया जाता है, और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को या बर्ड सेंचुरी को प्राइवेट बॉडी और गवर्नमेंट दोनों के द्वारा अंडर कंट्रोल किया जाता है, लेकिन नेशनल पार्क को केवल और केवल गवर्नमेंट के अंडर कंट्रोल रखा जाता है। एक तरह से एक डेवलप्ड सेंचुरी हो जाता है, वाइल्ड लाइफ हो या बर्ड हो, यानी कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से हम लोग नेशनल पार्क बना सकते हैं। किसी भी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को हम लोग नेशनल पार्क घोषित कर देते हैं, और किसी भी नेशनल पार्क को वाइल्ड लाइफ सेंचुरी घोषित नहीं कर सकते, क्योंकि ये एक तरह से प्रमोट हो सकता है, ये नहीं हो सकता। तो ये मेन बेसिक डिफरेंस होता है दोनों के बीच में। और बाउंड्रीज की बात करें तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की जो बाउंड्रीज होती है वो फिक्स्ड नहीं होती, और हमारा जो नेशनल पार्क होता है इसकी बाउंड्रीज भी फिक्स्ड होती हैं। तो ये बेसिक मतलब होता है कि बहुत लोगों को, हम लोगों को पता भी नहीं था पहले भी कि क्या मतलब होता है, दोनों एक ही चीज़ नहीं होते हैं। तो हम लोग ये जान गए। तो ये था बेसिक डिफरेंस नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बीच में कि क्या डिफरेंस होता है। अब हम लोग शुरू करते हैं कि टोटल वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, यानी कि कुल वन जीव विहार हमारे उत्तर प्रदेश में कितने हैं, 11 हैं। कुल पक्षी विहार हमारे उत्तर प्रदेश में कितने, यानी कि बर्ड सेंचुरीज कितनी है, 13 हैं। ये नंबर याद रखने हैं, कभी भी एग्जाम में हाईलाइट कर सकते हैं। और टोटल नेशनल पार्क कितने, 1 हैं, यानी कि केवल एक ही राष्ट्रीय उद्यान नेशनल पार्क हमारे उत्तर प्रदेश में है। कौन सा है अभी हम जानेंगे। सबसे पहले कि जो प्रथम वन्य जीव विहार है, यानी कि जो पहला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, सबसे पुराना भी यही होगा, वो कौन सा उत्तर प्रदेश में, चंद्रप्रभा चंदौली 1957। तो ये जरूर ध्यान रखना है, किसी भी एग्जाम में पूछ सकता है कि उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना वन्य जीव विहार कौन सा है। सबसे बड़ा, अब हम जानेंगे सबसे बड़ा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कौन सा है, तो हस्तिनापुर मेरठ में। इसका एरिया 2073 किलोमीटर स्क्वायर है। सबसे छोटा वन्य जीव विहार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कौन सी है, तो महावीर स्वामी वन्य जीव विहार है, ललितपुर में लोकेटेड है, 5.40 किलोमीटर स्क्वायर इसका एरिया है। और सबसे पहला पक्षी विहार, अभी देखिए हम लोग सबसे जानते हैं सबसे पहला वन्य जीव विहार यानी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, और सबसे पहला हमारा क्या होता है पक्षी विहार बर्ड सेंचुरी कौन सी, नवाबगंज पक्षी विहार है। इसका नाम 2015 में शहीद चंद्रशेखर आजाद पक्षी विहार रख दिया गया था, और ये कहाँ पे है, उन्नाव में है। तो ये हमेशा ध्यान रखना, ये ज़रूर आता है, शहीद चंद्रशेखर आजाद भी ऑप्शन में दे सकता है, नवाबगंज भी दे सकता है, दोनों एक ही है। और सबसे बड़ा पक्षी विहार कौन सा है, लाख बहोशी पक्षी विहार कन्नौज में, 80 किलोमीटर स्क्वायर इसका एरिया है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे छोटा पक्षी विहार बर्ड सेंचुरी कौन सी है, पटना पक्षी विहार एटा में स्थित है, 1 किलोमीटर स्क्वायर इसका क्या है, एरिया है। अब हम बात करेंगे जो हमारे उत्तर प्रदेश में नेशनल पार्क है, राष्ट्रीय उद्यान है, वो कौन सा है। तो एक ही नेशनल पार्क है, दुधवा नेशनल पार्क, लखीमपुर खीरी में 1970 में ये बना था। दुधवा नेशनल पार्क कहाँ पर है, लखीमपुर खीरी। दुधवा नेशनल पार्क जरूर एग्जाम में हाईलाइट करता है कि कौन सा राष्ट्रीय उद्यान हमारे उत्तर प्रदेश में है। तो दुधवा नेशनल पार्क है, कहाँ पर मौजूद है उत्तर प्रदेश में, लखीमपुर खीरी में। और कल के वीडियो में हम लोग देखे थे कि सबसे बड़ा जिला जो होता है वो उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल की दृष्टि से वो लखीमपुर खीरी ही होता है। तो ये हमेशा ध्यान रखना है। अब हम देखेंगे टाइगर रिजर्व, उत्तर प्रदेश में टाइगर रिजर्व कौन कौन से। टाइगर रिजर्व के पहले हम जानेंगे कि प्रोजेक्ट टाइगर का क्या मतलब होता है। देखिए प्रोजेक्ट टाइगर 1972-73 में लगभग आया था। इसके अंतर्गत क्या था कि इसके पहले टाइगर की हंटिंग किलिंग, टाइगर को मारना, उसका शिकार करना बाघ का लीगल था। तो बहुत सी जो रॉयल फैमिलीज होते थे, जो रॉयल होते थे, जिनको हैंड हंटिंग का शौक होता था, तो वो लोग बहुत ज़्यादा टाइगर की किलिंग करते थे। इससे क्या होने लगा, टाइगर की पॉपुलेशन में बहुत ज़्यादा गिरावट आ गई।
बहुत कम हो गए, और हमारा जो चीता है वो तो एक तरह से एक्सटिंक्ट हो ही गया था, लुप्त हो ही गया था। तो सरकार को और लोगों को ये डर था कि कहीं टाइगर बाघ भी हमारे देश से विलुप्त ना हो जाए, इसीलिए एक ऐसा कानून आना चाहिए, एक प्रोजेक्ट आना चाहिए जिससे हम अपने देश के बाघ को, टाइगरों को सुरक्षित रख सके। तो इस प्रोजेक्ट के द्वारा क्या किया जाता है, हमारे टाइगर को सुरक्षित रखा जाता है और इनकी हंटिंग किलिंग पर रोक लगाई गई। एक कानूनन एक तरह से अपराध घोषित कर दिया गया कि टाइगर को मारना एक इलीगल काम है। तो ये होता है प्रोजेक्ट टाइगर। इसके अंदर क्या होते हैं कि जहां जहां भी टाइगर पाए जाते हैं, जैसे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में जहां जहां टाइगर पाए, अगर वहां पे ज्यादा टाइगर है या टाइगर असुरक्षित है तो उसको एक तरह से टाइगर रिजर्व घोषित कर दिया जाता है। तो इंडिया में उत्तर प्रदेश में टोटल 3 टाइगर रिजर्व हैं। कौन कौन से? पहला दुधवा, यानी कि ये जो नेशनल पार्क है, राष्ट्रीय उद्यान है, इसको टाइगर प्रोजेक्ट टाइगर के अंडर ले लिया गया है और इसको एक टाइगर रिजर्व बना दिया गया है। और ये कब बनाया गया था? 1987 में। तो ये जरूर याद रखना कि दुधवा नेशनल पार्क जो है वो टाइगर प्रोजेक्ट टाइगर के अंडर भी आता है, टाइगर रिजर्व भी है उत्तर प्रदेश का। और दूसरा टाइगर रिजर्व पीलीभीत शाहजहांपुर है जून 2014 में, और तीसरा बिजनौर अमानगढ़ है 2012 में इसको घोषित किया गया। तो ये 3 थे टाइगर रिजर्व जो कि प्रोजेक्ट टाइगर में अंदर आते। अगर हम लोग बात करेंगे कि इस समय कुल कितने टाइगर रिजर्व्स हैं हमारे भारत में, तो कुल 51 टाइगर रिजर्व। तो ये तो बात हो गई टाइगर रिजर्व की। अब हम लोग देखेंगे अगर उत्तर प्रदेश में चिड़ियाघर, 3 चिड़ियाघर भी हैं। पहला चिड़ियाघर कौन सा है? नवाब वाजिद अली शाह जूलॉजिकल गार्डन जो कि लखनऊ में है, और कानपुर चिड़ियाघर है, और तीसरा है शहीद अशफाक उल्ला खां जो एक आपका वो है चिड़ियाघर है, वो ये कहाँ पर है? ये आपका गोरखपुर में है। तो ये 3 चिड़ियाघर जो हैं ये भी उत्तर प्रदेश में आते हैं। तो चिड़ियाघर की संख्या भी अगर कोई भी पूछ ले या नाम पूछ ले तो ये भी आप बता सकते हैं। तो इस वीडियो में आज हम लोग बेसिक जानकारी थोड़ी बहुत लिए इन सारी चीज़ों की। और हाँ, जितनी भी हैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और बर्ड सेंचुरी, ये स्क्रीन पर है, आप इनका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। हालांकि ज़्यादा नाम नहीं पूछता है, लेकिन अगर कभी पूछ ले तो आप याद रख सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेके एक बार सेव कर सकते हैं। तो हम लोगों ने क्या जाना कि हमारे वन्य जीव विहार और पक्षी जीव विहार के बारे में, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बर्ड सेंचुरी के बारे में, नेशनल पार्क के बारे में जाना, थोड़ा बहुत हम लोग प्रोजेक्ट टाइगर के बारे में जाना, और हम लोग ने मेन चीज़ जो है हम लोग का वो टाइगर रिजर्व है, और 3 टाइगर रिजर्व हैं। एक रानीपुर वन्य जीव विहार है, उसको भी चौथा टाइगर रिजर्व बनाने की प्लानिंग की जा रही है, लेकिन अभी बना नहीं है। बांदा चित्रकूट में जो है रानीपुर वन्य जीव विहार, तो अगर वो बन जाता है तो वो चौथा टाइगर रिजर्व हो जाएगा हमारे उत्तर प्रदेश में। तो ये था हमारा आज का वीडियो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। थैंक यू।